हेलो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट कनक क्लास। दोस्तों अब हम लोग आज के इस वीडियो में फ्रैक्शनल नंबर्स को कैसे डिवाइड करें, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स इसकी स्टडी करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके लिए एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, डिवाइड 5/8 / 7। 5/8 को 7 से डिवाइड करना है, तो इसका सलूशन हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, 5/8/7। सही है। अब फ्रैक्शनल नंबर को, नॉर्मल नंबर को डिवाइड करना तो हम लोग जानते हैं, लेकिन फ्रैक्शनल नंबर को अब कैसे डिवाइड करें हम लोग भाई? तो इसके लिए बड़ा ही अच्छा एक तरीका है। सबसे पहले तो इस नंबर को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, 1 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमने 1 लिख दिया, अब दोनों फ्रैक्शनल नंबर हो गए। अब देखिए क्या करेंगे, इस वाले नंबर को जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। अब इस तरह से तो डिवाइड कर नहीं पाएंगे हम लोग इन नंबर्स को, इन फ्रैक्शंस को, कोई ना कोई दूसरा तरीका हमको लगाना पड़ेगा। क्यों ना हम इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दें और जो ये फ्रैक्शन दिया हुआ है इसको इसका रेसिप्रोकल कर दें, यानी 1/7 कर दें। याद रखिए, जब भी डिवाइड दिया हो फ्रैक्शनल नंबर्स के बीच तो इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो अगला नंबर है उसको उसका रेसिप्रोकल बना देंगे। जैसे देखिए 7 न्यूमरेटर में था, मैंने डिनोमिनेटर में कर दिया, 7/1 का रेसिप्रोकल क्या हुआ, 1/7 कर दिए, यहां डिवाइड से मल्टीप्लाई कर दिए। अब हमारा काम आसान हो गया भाई। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कीजिए, 5/5, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए, 8/7 = 56 हो गया। बड़ी आसानी से हम लोगों का काम हो गया इस तरह से। ठीक है, तो आप सब देख पा रहे होंगे कि किस तरह इसको डिवाइड किया गया। अब कोई और नंबर लेते हैं, एक आप और एग्जांपल समझते हैं, बहुत आसान है डिवीजन, रेसिप्रोकल आना चाहिए आपको। जैसे मैं ले रहा हूं एक नंबर 2/7 डिवाइडेड बाई 14/6, मान लीजिए ये नंबर, या कोई ऐसा नंबर लीजिए जो लोएस्ट का हो, 8/3 ये नंबर। ठीक, तो अब तरीका हम सीख चुके हैं, इस डिवाइड को हमें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होगा, तो 2/7। एक और बात जानिए, चाहे इसका रेसिप्रोकल करिए चाहे इसका, नियम से तो इसी का करेंगे बेहतर रहेगा, बार बार कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, डिवाइड के बाद वाले का रेसिप्रोकल कर दीजिए, उसके बाद अपना कैलकुलेशन कर लीजिए, इनटू किए। अब 8/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, कमेंट करके बताइए जल्दी से, तो मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी बताइए 8/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड, यानी 3/8, डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया और 8/3 का रेसिप्रोकल 3/8 लिख दिया। अब देखिए यहां पे एक लड़ाई झगड़ा हो सकता है भाई, यहां न्यूमरेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में 8 है, 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 8 भी आता है। मैंने बताया था कि जब भी हम टेबल से डिवाइड करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ही करते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से नहीं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से नहीं। तो यहां देखिए 2 न्यूमरेटर में, 8 डिनोमिनेटर में, तो हम चाहे तो डिवाइड कर दें या फिर सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं और उसके बाद लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करें। तो मैं डिवाइड कर रहा हूं, 2/1 = 2, 2/4 = 8, और उसको कटने लायक है नहीं, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किए, 3/1 = 3 और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में 7/4 = 28। देखिए ये लोएस्ट टर्म है और यही रिजल्ट आया। तो इस तरह से डिवाइड वाले क्वेश्चंस को भी बड़ी आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ और एग्जांपल मैं
बार बता देता हूं, देख एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, तब आप लोगों को होमवर्क देता हूं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और उम्मीद है इतने एग्जांपल से आपको समझ में आ गया। टू होल टू बाई थ्री डिवाइडेड बाई वन होल वन बाई सिक्स, ठीक। तो जब पहले तो इसको इम्प्रॉपर में बदल लें, मिक्स नंबर में है। टू थ्री जा थ्री, टू जा सिक्स प्लस टू यानी एट बाई थ्री डिवाइडेड बाई सिक्स, वन जा सिक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इसको ऐड करेंगे, सिक्स वन जा सिक्स प्लस वन सेवन बाई सिक्स। अब एट बाई थ्री तो ऐसे ही कर देते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किए और इसका रेसिप्रोकल कर दिए यानी सिक्स अपॉन सेवन। क्या कोई नंबर एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं? कोई डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से या कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड हो सकता है? जरा बताइए कमेंट करके। तो बहुत अच्छे क्विक रिस्पॉन्स, कुछ बच्चे बता रहे हैं, बहुत अच्छे। देखिए थ्री डिनोमिनेटर में और सिक्स न्यूमरेटर में, यानी यहां पर क्रॉस हो सकता है, कट सकते हैं। तो थ्री के टेबल में थ्री भी आता है, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स आया। अब कोई नंबर किसी से क्रॉस हो नहीं पाएगा, तो चलिए न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं, एट टू जा सिक्सटीन अपॉन सेवन वन जा सेवन, इट विल बी द रिजल्ट। देख रहे हैं, इस तरह से आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए होमवर्क ले लीजिए आप और इसे सॉल्व करिएगा और जरूर बताइएगा कमेंट करके क्या प्रॉब्लम आ रही है। होमवर्क में फर्स्ट क्वेश्चन है टू होल थ्री बाई फोर, होल वाले अभी बाद में दूंगा। सेकेंड नंबर पे पहले आप सिंपल क्वेश्चन लीजिए, 18 डिवाइडेड बाई थ्री अपॉन फोर। सेकेंड क्वेश्चन है 4 अपॉन फाइव डिवाइडेड बाई सेवन अपॉन नाइन। और थर्ड क्वेश्चन है 6 होल 3 अपॉन फाइव डिवाइडेड बाई 4 होल 7 अपॉन 12। इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके जरूर पूछें, आई विल हेल्प यू। और एक बात, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें आसानी से मिलती रहें और मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। थैंक यू।